श्री शिवाई नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है या फिर आपके जीवन में धन को लेकर किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आ पड़ा है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर आपके घर में कैसी भी विपत्ता आ रही है, तो दोस्तों आप लोगों को आज शनिवार की रात्रि में बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है और कहा जाता है कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। दोस्तों इस रात्रि में आप लोगों को एक अचूक रामबाण उपाय करना है जिससे आपकी धन की कैसी भी प्रॉब्लम हो या फिर कैसी भी समस्या हो, जीवन की आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या या फिर कैसी भी समस्या हो, वह दूर हो जाएगी। मात्र आप लोगों को छोटा सा कार्य आज शनिवार की रात्रि में हमारे पूज्य गुरुदेव की कथा से बताया गया बहुत ही अच्छा दिव्य उपाय है, इसी को आप लोगों को आज शनिवार की रात्रि में कर लेना है। दोस्तों इस कार्य के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा कार्य है, इसी को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों इस कार्य के लिए आप लोगों को 21 रुपये और एक लौंग की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों आज शनिवार की रात्रि में अगर आपकी कोई भी काम नहीं बन पा रहा है या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ता आ रही है या फिर धन को लेकर आपके घर में बहुत ज़्यादा कमी है या फिर आपके घर में पैसा आता है या फिर रुकता नहीं है, तो आज रात्रि में आप लोगों को शनिवार रात्रि में कार्य करना है। दोस्तों आप लोगों को 21 रुपये लेने हैं, 21 रुपये लेकर आप लोगों को और उसके साथ एक लौंग लेनी है। दोस्तों एक लौंग और 21 रुपये आप लोगों को लेकर अपने घर के पूजा स्थल पर, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के गमले में आप 21 रुपये और एक लौंग को रख सकते हैं, या फिर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर के पूजा स्थल पर 21 रुपये और एक लौंग का जोड़ा यानी कि एक लौंग रख सकते हैं। फिर दोस्तों शनिवार के दिन आप लोगों को यह कार्य रात्रि के समय कर देना है और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर यानी कि आप लोगों को रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना किसी को बताए अपने घर के आसपास, आपके घर के आसपास कोई दरिद्र इंसान आए यानी कि भिखारी आए या फिर कोई भी आपको व्यक्ति दिखे, किन्नर दिखे या फिर बच्ची दिखे, कोई कन्या दिखे, तो उसे आप लोग वो 21 रुपये और एक लौंग दान दे दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है जीवन में। दोस्तों अगर आप लोग यह कार्य करते हो तो आपका अवश्य ही सुफल प्राप्त होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।